ये डिब्बा आज सुबह आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, वो मैं थोड़ा आगे बताता हूँ कि मैंने ये मंगवाया क्यों है। लेकिन पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। पिछले लोग के ना नीचे कमेंट सेक्शन में बात आई थी, दो जने रहते हैं फिर भी इनको मेड की जरूरत है। ठीक है, आपका पॉइंट लॉजिक है कि दो जने रह रहे हैं इनको मेड की क्या जरूरत है, लेकिन अब मेरा पॉइंट सुनना कि क्यों जरूरत है। मैं 18 साल की उम्र से घर से बाहर रह रहा हूँ। लॉजिकली जो लड़के घर से बाहर रह रहे होते हैं उन्हें कुकिंग वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह आता होता है, लेकिन मुझे नहीं आता। उसके पीछे रीजन पता क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने इस काम को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया है, कुकिंग को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जब मैं अकेला रहता था ना शादी से पहले, तब भी मैंने मेड लगवाई हुई थी। उसके पीछे रीजंस क्या थे? इंटरेस्ट ना लेने का मेरा रीजन ये था कि जो टाइम मैं ये सोचने में बताऊंगा कि रात को सब्जी क्या बनानी है, चाहे मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ रात को सब्जी क्या बनानी है, या फिर घर में टमाटर खत्म हो गए टमाटर लेके आने हैं, प्याज खत्म हो गए प्याज लेके आने, वही टाइम मैं अपना इस चीज के ऊपर लगाऊंगा कि मुझे सीखना क्या है, मुझे अपनी स्किल्स को बिल्ड करना है, मुझे अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपना बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है। लाइक मेरा जो फोकस होता था उस चीज के ऊपर होता था कि मुझे प्रोफेशनली या पर्सनली किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कभी इस चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। एंड दैट इज द रीजन मुझे कुकिंग नहीं आती, क्योंकि मुझे वही टाइम मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है जिससे उस टाइम की और ज्यादा वैल्यू हो। एंड सेम रीजन इज नाउ आई डोंट वॉन्ट कि मैं या सरी उठ के सुबह ये सोचे कि ब्रेकफास्ट बन रहा है, फिर दोबारा लंच की तैयारियां हो रही हैं, एंड फिर दोबारा डिनर की तैयारियां हो रही हैं। शादी के बाद लड़कियां इसी चीज में उलझ जाती है जिसके कारण वो अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं दे पाती है नॉर्मली। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चाहे शादी हो चुकी हुई है, लेकिन जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर उस चीज के ऊपर पर्सनल लाइफ, जो ये पर्सनल काम है घर के काम है, इनका इफेक्ट अगर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आ रहा है, तो इन काम्स को अगर आप तुम्हें किसी और से करवा सकते हो तो करवाओ। आप एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, और दूसरा तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ में किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैं और सरी चाहते हैं कि हम अपना टाइम उन चीजों को दें जिन चीजों की लाइफ में ज्यादा वैल्यू है, जिनसे पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो किया जा सकता है। ये रीजन है मेड लगवा। और दूसरा, जैसे कि मुझे एडिटिंग आती है, लाइक मैं एडिटिंग बड़े आराम से कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट, लेकिन फिर भी मेरी एडिटिंग हमारा छोटा टाइगर करता है, यानी कि शंडन करता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है भाई, मेरे दो चैनल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मैं ध्यान अपना एडिटिंग के ऊपर लगाऊंगा, दो चैनल है तो यानी कि 9-10 घंटे मेरे एडिटिंग के ऊपर लगेंगे, वही जो मेरा ध्यान है वो मेरा रेवेन्यू के ऊपर लगेगी। मैं ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट करूँ, मैं ज़्यादा इस चीज़ को जो मैं चीज़ कर रहा हूँ इसको मैं और कैसे बड़ा करूँ, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मैं अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत वैल्यू देता हूँ। कितना क्या है सारे, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निकला हूँ बाहर और हम लेने पहुंचे हैं टेंट, लेना है कपड़ों का, कपड़े सुखाने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब हमें एकदम से बाहर जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कपड़े सूखते नहीं, इस चीज से हम परेशान आ गए। हमने एक्चुअली बिल्कुल सेम लिया था, तो वो अंकल ने आज वो हमें ज्यादा रेट बता रहे हैं। सरी की बार्गेनिंग स्किल्स ऑन द पॉइंट होती है। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करो, हाउ टू बार्गेन। दूसरी दुकान ये देखो, स्टैंड ले लिया और 500 का बोल रहा था, करते 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 2000 रुपए ले आई, और ये अभी भी 1900 बोल रही थी। मैं कहा तू ले ले 2000 का। अभी इतनी अच्छी बात है ना, मम्मी बड़ी एक्साइटमेंट होके बता रहे मुझे ऋषि। मैं कहा हाँ जी। अच्छा, क्या बात है, मैंने भी जूम कॉल पे मीटिंग अटेंड कर ली। आगे से मम्मी की सहेलिया कहती कि तुम ना अपने पोतों पोतियों का ना जूम कॉल पे पढ़ा दिया करना। मम्मी टीचर है। मम्मी कहते मुझे कहता किसी का काम आनी है, ये है ना मुझे मेरी रिटायरमेंट होने वाली है, मुझे कौन सा काम आने, कहते पोते पोते को पढ़ाने के काम आएगी। वो कितना एक्साइटमेंट होके बता रहे हैं कि मैंने जूम कॉल अटेंड की, मैंने जूम पे मीटिंग अटेंड की। कितनी अभी भी मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं
परफेक्ट ड्राइवर। आजा देख लेते हैं, आज है सरी के ड्राइविंग का डे वन। छोड़ो छोड़ो। सबसे पहले तो बता कौन सा एक्सेलेरेटर होता है, कौन सा ब्रेक होता है। ए बी सी, एक्सेलेरेटर ब्रेक एंड क्लच, ये होते हैं हमारे, सबको पता ही है। तुम्हें इतना नहीं पता, पता होना चाहिए। क्या होते हैं बता। पहले भूल गई थी। नहीं नहीं, सबसे पहले हम दबाते हैं क्लच, फिर हम अपना डालेंगे पहला गियर, स्लोली स्लोली इसको हम छोड़ेंगे। ये स्लोली नहीं छोड़ा, ये तेज छोड़ा। हाँ, थोड़ा इतने दिनों बाद परफेक्ट बंदा चलाया, ऐसे होता है। रेस भी दे सकते हैं इसमें थोड़ी। यहाँ पीछे देख के मोड़ना, पीछे देख के कोई आना रहो। कुत्ता पड़ेगा तेरे पीछे, डर गई। हल्के हल्के धीरे धीरे। क्या कर रहे हो, मैं आने जाने नहीं करती थी। खुद ही स्टीयरिंग तेरे हाथ में है। धीरे धीरे धीरे, खड्डे बहुत ज्यादा है, गाड़ी की स्पीड धीरे करो। धीरे गाड़ी में ब्रेक होती है। गाड़ी में ब्रेक होती है। चलो जी, पहली बार बंद होगी, मैं इंतजार कर रहा था कब होएगी। गलत है यार ये चीज। दूसरा बार होगी, म्यूजिक तो लगाओ यार, मैं बिना गाने के गाड़ी चला सकती हूं। एंजॉयमेंट फर्स्ट, बाकी जो बाद। चलो होगी बस, आजकल इतने कीड़े बहुत हैं यार। एटलीस्ट मुझे लगना चाहिए कि मैंने कुछ हासिल किया जिंदगी में। आजकल इतना ही बहुत है। तो वो लड़की चला रही हो SUV। ओए होए 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 होए, वो कांट लगती है ना, थार होगी, एंडेवर होगी। ओहो क्या लगती है लड़की यार। लड़की ऊंची गाड़ी चलाती है, बिकॉज़ लड़कियां होती ही ऊंची है। हल्की फुल्की ऐसी रोड पे जा सकती है जिस रोड पे ज्यादा क्राउड नहीं है। ओ एमजी, दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मी। अभी तो आप चला रहे हो, लेकिन जब कोई गाड़ी आ जाती है, आए तीसरी बार बंद होगी। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि शादी के बाद लड़की को अकेला ट्रैवल नहीं करने देते, और मैं चाहता हूँ कि सरी सोलो ट्रिप पे जाए, ताकि मैं भी पीछे सोलो ट्रिप पे जाऊँ। स्कीम। फिर मुझे भी इजाजत मिल जाएगी सोलो ट्रिप पे जाने की। मैं तो अभी रहती हूँ भाई। यस यस यस, मैंने गाड़ी रोकी है अच्छे तरीके से। आपने घबराया ना, अपने क्लच की जगह ब्रेक दबा देनी है, ब्रेक की जगह क्लच। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है कैसे। छी, ये देखो ऋषि के पैर पे पट्टी लगी है। छी, आये हाय हाय हाय, कितना गंदा। सबके लगती है, घर नहीं घुसने दूंगी पॉटी वाली चप्पल लेके आए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, लिफ्ट ना यूज करते हुए। चलो छोटे 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 छोटे, मेरे पैसे वेस्ट मत कर। मैं बताता हूँ क्यों बोल रही है ये मेरे पैसे। दिखाता हूँ अभी। ओ दिख, शक्ल देख, शक्ल देख, शक्ल देखो कहती। फाइनली इस लड़के ने कोई काम किया चज का जिंदगी में। उए आराम से, मेरे वो छोटी छोटी गमलियों को कुछ नहीं होना चाहिए। लो जी स्टैंड भी आ गया। हालांकि है ये घर की छोटी छोटी चीजें ही, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें क्या है कि जब तुम अपना घर बनाओ और अपने खुद के पैसों से ऐसी छोटी छोटी चीजें लेके आओ ना, तो ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि जो ये वाला स्टैंड है, ये मम्मी पापा की तरफ से गिफ्ट है हमें, ये हमने खुद नहीं दिया। मैं इस चीज की बात कर रहा था सरी की। लोग अमीर होने के लिए क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। सरी क्या करती है, सरी कहती है मैं गत्ते ही इकट्ठे करूंगी। अरे यार नहीं, पता है क्या, कूड़े वाले को बोला ले जाओ, कहता है इतना सारा ही मैं नहीं ले जा सकता, मैं छोटा मोटा लेके जा सकता हूँ। गत्ते इकट्ठे करके रखे हुए इसने, कहती जब बिकेंगे तो पैसे आएंगे, है ना। जब भी घर में कोई कोरियर आ जाता है खुश हो जाती है। मैं जब कोई घर में कोरियर आता है ना, तो मैं देखता हूँ एज अ नॉर्मल कोरियर आया है। सरी कोरियर नहीं देखती, सरी देखती है और रुपया आ गया, दो रुपये आ गए, तीन रुपये आ गए। ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ मेरे सारे खजाने भी हो गए। सारी सरी की सारी प्रॉपर्टी मेरी। सरी की सारी तिजोरियां तिजोरियां दिखाता हूँ मैं आपको। लोग अमीर बनने के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, FD में पैसा लगाते हैं, सरी गत्तों में पैसा लगाती है। एक्चुअली ये किस लिए लिया है, ये ना स्टैंडिंग फैन है, ये इसलिए लिया है क्योंकि
जब मैं यहाँ पे बीच एंड का शूट मारता हूँ ना, तो गर्मी बहुत लगती है क्योंकि ऊपर वाला पखा नहीं चला सकते, उधर एसी चला के सारे दरवाजे बंद करके। पंजाबियों का पखा होता है, पंजाबियों का पखा ही होता है यार, मैं पखा ही बोलूंगा। पखा इसलिए लिया है, यहाँ पे शूट होगा वो वाला पखा ऊपर वाला बंद होगा, तो ये वाला पखा कैमरे के पीछे होगा थोड़ी सी कम स्पीड पे, ताकि ये ठंडी हवा अंदर फेंके और मुझे पसीना ना आए। ये मैं जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जुगाड़ कामयाब हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और रास्ता ढूंढेंगे। अभी मुझे पता नहीं, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया ये करेगा या नहीं करेगा। होगा। तो ये अपना आज का ब्लॉग पसंद आया, लाइक माई शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स कुछ नवी खप लेके। वैसे अभी तो टाइम दोपहर के 2 या 3 हो रहा है, लेकिन मैं ब्लॉग इसलिए अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे सिर्फ अपना काम ही करना है। रात के 8 जो मेरा प्लान है, रात के 8-9-10 बजे तक मुझे सिर्फ लैपटॉप पे बैठना है और एक्सेल शीट्स के साथ दिमाग खोटी करना है।